क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई क्वेश्चन है, लास्ट क्लास भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये विथ द राइट हैंड सिस्टम म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये गिवेन है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है। ओके, कौन हम लोग का जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये, और ये हमारा जनरल ये जो एक्स एक्सिस है आई कैप होता है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस जो है ये जे कैप होता है, और ये तुम्हारा जेड एक्सिस ये के कैप होता है। ठीक है, ये जनरली हमारा वही होता है, और ये वो लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और यूनिट वेक्टर्स भी है, ये हमारा हमको सभी को पता है एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है, ये जेड एक्सिस का है। ठीक है, अच्छा अल्फा वेक्टर दे दिया है, बीटा वेक्टर दे दिया है, तो गिवन लिखिए, गिवन अल्फा वेक्टर कितना है कि थ्री आई कैप माइनस जे कैप। ओके, ये अल्फा वेक्टर है थ्री आई कैप माइनस जे कैप। ओके, अगेन बीटा वेक्टर है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप। ओके, माइनस थ्री के कैप, ये आपका बीटा वेक्टर दिया, और भी बोल रहे हैं तो बीटा वेक्टर एक्सप्रेस्ड, और गिवन क्या है, और भी गिवन है, तो बीटा वेक्टर जो है एक्सप्रेस्ड बाट बीटा वन वेक्टर प्लस बीटा टू वेक्टर, जो कि हमें नहीं दिया है, बीटा वन वेक्टर नहीं दिया है, बीटा टू वेक्टर भी नहीं दिया है, और भी क्या है, बीटा वन पार्लर टू अल्फा वेक्टर, तो बीटा वन जो है पार्लर टू योर अल्फा वेक्टर, पार्लर है, बीटा वन वेक्टर जो है पार्लर टू अल्फा वेक्टर। ओके, और भी है बीटा टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। ओके, बीटा टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, योर अल्फा वेक्टर। ठीक है, हमें फाइंड कुछ नहीं बोला है, एक्चुअली हमें फाइंड करना है बीटा वन वेक्टर एंड बीटा टू वेक्टर, तो हमें फाइंड करना है बीटा वन वेक्टर एंड क्या बीटा टू वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, ये हमें फाइंड करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अच्छा कोई एक तो वेक्टर को ले लीजिए। ओके, बीटा वन वेक्टर दिया है कि पार्लर टू द लैम्डा वेक्टर, माने पार्लर टू द अल्फा वेक्टर। ठीक है, ये दिया है बीटा वेक्टर इज पार्लर टू अल्फा वेक्टर, अल्फा वेक्टर हमें दे दिया, तो बच्चों हमें पहले बीटा वन वेक्टर मिल जाएगा, कोई वेक्टर, हाँ कोई वेक्टर पार्लर होता है, बीटा वेक्टर इज पार्लर टू द अल्फा वेक्टर, कोई वेक्टर अगर पार्लर लेता है तो हम आपको ये कंडीशन दे सकते हैं, ये बीटा वन वेक्टर जो दिया है, बीटा वन वेक्टर दिया है कि पार्लर टू और अल्फा वेक्टर दिया है। ओके, यहाँ से शुरू कीजिए, तो बीटा वन इज पार्लर टू अल्फा वेक्टर, जब भी कोई भी वेक्टर पार्लर होता है उसको तुम आप ऐसा लिख सकते हो, लामडा टाइम योर अल्फा वेक्टर लिख सकते हो, और नहीं तो उसका जो डी आर एस एक्स वन बाई एक्स टू इक्वल वाई वन बाई वाई टू इक्वल जेड वन बाई जेड टू इक्वल लामडा, जब दो वेक्टर पार्लर है तो ये कंडीशन आप दे सकते हो। ओके, तो बीटा वन वेक्टर क्या होगा, लामडा टाइम्स ऑफ योर अल्फा वेक्टर, जब दो वेक्टर पार्लर होता है ये आप कंडीशन दे सकते हो, और उसका डी आर एस का रेशियो भी आप कंडीशन दे सकते हो, एक्स वन बाई एक्स टू इक्वल वाई वन बाई टू इक्वल जेड वन जेड टू, जब दो वेक्टर पार्लर होता है। ओके, अच्छा आपका ये अभी मत दीजिए, हाँ अच्छा, जब यहाँ पर आपका क्या दिया है, योर अल्फा ये लैम्डा अल्फा वेक्टर दे दिया है, व्हाट इज योर अल्फा वेक्टर, थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस जीरो के कैप। ओके, ये आपका अल्फा वेक्टर दे दिया है, क्योंकि जब दो वेक्टर पार्लर ये आप कंडीशन दे सकते हो, आपका अल्फा वेक्टर दे दिया है कितना, थ्री आई कैप माइनस कितना जे कैप। ओके, देन तुम्हारा ये लामड़ा मिल जाएगा, तो आपका बीटा वन वेक्टर मिल जाएगा, बीटा वन वेक्टर आपका थ्री लामड़ा आई कैप होता है। ओके, अगेन माइनस लामड़ा जे कैप होता है, अगेन ये जीरो के कैप। ओके,
जीरो के कैप, ये लिखे या ना लिखे चलेगा, ये जीरो के होगा, लामडा इंटू जीरो, जीरो के कैप, ये लिखो या ना लिखो, ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक तो अगर ये लामडा का वैल्यू मिल जाता है तो हमें बीटा वन वेक्टर मिल जाएगा, ओके। अब ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, ओके, बीटा वन वेक्टर अगर लामडा मिल जाता है तो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट बात, यहाँ पर एक तो बीटा टू वेक्टर बच्चे मिल जाएगा, यहाँ जो गिवन है तो यहाँ पर बीटा टू वेक्टर होगा बी वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर, बीटा टू वेक्टर हमें मिल जाएगा, ओके। बच्चों हमारा क्या दिया, बीटा वेक्टर क्या दिया, बीटा वन वेक्टर, बीटा वेक्टर क्या दिया, बीटा वन वेक्टर प्लस बीटा टू वेक्टर दिया। तो बच्चों ये गिवेन हमारा, बीटा वेक्टर इक्वल टू बीटा वेक्टर इक्वल बीटा वन प्लस बीटा टू वेक्टर गिवेन है, ओके ये हमें बच्चों गिवेन है, ओके। हमें बीटा टू वेक्टर चाहिए बच्चों, बीटा टू वेक्टर क्या होगा, दैट इज बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर होगा, बीटा टू वेक्टर क्या होगा, बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर, ओके। व्हाट इज बीटा वेक्टर देखिए, ओके बीटा वेक्टर क्या दिया है, तो बीटा टू बीटा वेक्टर दिया है बच्चे समझे, ये गिवन है बीटा वेक्टर इक्वल टू बीटा वन वेक्टर प्लस बीटा टू वेक्टर, देन बीटा टू वेक्टर होगा बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर, व्हाट इज बीटा वेक्टर, व्हाट इज बीटा वेक्टर, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये बीटा वेक्टर आएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ओके ये आपका बीटा वेक्टर है, फिर से चेक कर लीजिए, बीटा वेक्टर आपका 2i कैप, और बीटा वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस ck कैप, ओके। अच्छा हमें बीटा 2 वेक्टर बच्चों मिल जाएगा, बीटा 1 वेक्टर क्या है, बीटा 1 वेक्टर हम यहाँ पर निकाले 3 लैम्डा आई कैप, थ्री लामडा आई कैप और क्या माइनस लामडा जे कैप, माइनस लामडा जे कैप प्लस जीरो के कैप, ये आपका कौन सा वेक्टर है, बीटा वन वेक्टर है। तो बीटा टू वेक्टर आप बच्चे निकालिए, बीटा टू वेक्टर निकालिए क्या होगा, ये आपका दो वेक्टर ना माइनस होता है, टू माइनस थ्री लामडा, टू माइनस थ्री लामडा आई कैप, ओके अगेन वन माइनस, वन माइनस माइनस वन प्लस लामडा, ये टू माइनस थ्री लामडा, ये वन, ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस लामडा जे कैप, ओके सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस, ओके यहाँ पर वहाँ यहाँ पर माइनस के कैप हो जाएगा, ये माइनस के कैप माइनस जीरो, माइनस के कैप माइनस जीरो, माइनस के कैप माइनस जीरो, माइनस के कैप, कुछ कौन बोलना था, तो वो माइनस थ्री के कैप दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन में माइनस थ्री के कैप किसका दिया है, तो वो जो बिट्टा में टू आई कैप प्लस जे कैप, अच्छा थर्ड थर्ड के बिट्टा है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, तो मैं बिट्टा वेक्टर यहाँ पर क्या लिखा, ओके टू आई कैप प्लस जे कैप, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री कैप कैप दिया, ठीक है थैंक यू, ओके ये माइनस थ्री के कैप होगा, बीटा वेक्टर दिया माइनस थ्री के कैप, ओके देन बच्चे ये माइनस थ्री के कैप माइनस जीरो, ये आपका माइनस थ्री के कैप आ जाएगा, ये आपका बच्चों बीटा टू वेक्टर मिल गया, बीटा वन वेक्टर भी मिल गया, बीटा टू वेक्टर मिल गया, बात है हमारा लामड़ा मिल जाता है तो दोनों वेक्टर मिल जाएगा, बच्चे इस वेक्टर में भी हमें लामड़ा मिल जाता तो हो जाएगा इस वेक्टर में, देखो और एक कंडीशन क्या दिया है कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर, अल्फा वेक्टर और बीटा टू वेक्टर परपेंडिकुलर है, ओके तो हमें बच्चे लामड़ा मिल जाएगा सॉरी हो तो हमारा बीटा वन वेक्टर बीटा टू वेक्टर है हो जाएगा, तो हमारा गिवन और भी है कौन वेक्टर परपेंडिकुलर, अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर टू कितना बीटा टू वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है, ओके ये अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर टू बीटा वेक्टर, बच्चों जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है बच्चों, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और यू कैन से एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू
प्लस जेड वन जेड टू इक्वल टू जीरो यू कैन से। अगर तो डॉट प्रोडक्ट बच्चों ऐसा होता है कि अगर पहला वेक्टर अगर अल्फा वेक्टर ऐसा होता है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और बीटा टू वेक्टर अगर एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, जब तुम उसको डॉट प्रोडक्ट करो बच्चों ऐसा होता है, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसा ही निकलता है। तो इस वेक्टर का देखिए हमें बीटा टू वेक्टर का, बीटा टू वेक्टर का ये है एक्स वन, और ये तो कौन सा वेक्टर बोल रहा है अल्फा वेक्टर, अल्फा वेक्टर थोड़ा लिख दीजिए, अल्फा वेक्टर कितना है, अल्फा वेक्टर थोड़ा लिख दीजिए क्या तुम्हारा थ्री आई कैप माइनस जे कैप, अल्फा वेक्टर है कितना थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस जीरो के कैप। ओके हाउ जब बच्चों दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो एक्स वन एक्स टू मीन्स ये तुम्हारा और ये थ्री इंटू कितना थ्री इंटू तुम्हारा टू माइनस थ्री लंबड़ा होता है एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू, ये माइनस वन इंटू कितना वन प्लस लंबड़ा होता है प्लस जेड वन जेड टू, जेड वन जेड टू मीन्स ये जीरो इंटू कितना ये माइनस थ्री के होता है। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर बच्चों होता है ये जो चीज़ है जो परपेंडिकुलर का ये हमेशा चाहिए, जब दो वेक्टर का परपेंडिकुलर ये आप कंडीशन देते हैं और परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है तो ये आपका कितना आएगा सिक्स माइनस नाइन लंबड़ा, सिक्स माइनस नाइन लंबड़ा, और ये माइनस वन माइनस लंबड़ा, और ये जीरो हो गया बच्चों के। तो ये सिक्स माइनस नाइन लंबड़ा, ये माइनस वन माइनस लंबड़ा, तो बच्चों लंबड़ा मिल जाएगा तो हमें दो वेक्टर मिल जाएगा माइनस नाइन लंबड़ा माइनस नाइन लंबड़ा, ये कितना होता है माइनस नाइन माइनस माइनस टेन लंबड़ा होता है, माइनस टेन लंबड़ा सिक्स माइनस वन कितना माइनस टेन लंबड़ा सिक्स माइनस वन फाइव होता है। ओके माइनस टेन लंबड़ा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है अगेन बच्चों पर माइनस टेन लंबड़ा इक्वल टू माइनस फाइव, देन लंबड़ा इक्वल टू माइनस फाइव बाई माइनस टेन, देन लंबड़ा इक्वल बच्चों वन बाई टू, ये जो लंबड़ा का वैल्यू आया इसमें डाल दीजिए आपका बीटा टू वेक्टर आ जाएगा, बीटा वन वेक्टर भी आ जाएगा, कितना लंबड़ा कितना आया वन बाई टू डाल दीजिए। तो मैं बीटा वन बीटा टू वेक्टर चाहिए था तो बीटा वेक्टर देखिए पहला बीटा वन वेक्टर चाहिए था, लामडा का वैल्यू वन बाय टू डालिए, ये थ्री बाय टू आई कैप, ये माइनस वन बाय टू जे कैप, ये जीरो के कैप छोड़ दीजिए। ओके अगेन बीटा टू वेक्टर चाहिए था, लामडा का वैल्यू वन बाय टू डालिए, ये बनेगा टू माइनस थ्री बाय टू, लामडा का वैल्यू वन बाय टू डाल दिए टू माइनस थ्री बाय टू आई कैप, लामडा का वैल्यू वन बाई टू डालिए, अगेन ये वन प्लस लामडा का वैल्यू वन बाई टू डालिए, वन प्लस वन बाई टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। ओके ये बीटा टू वेक्टर क्या हुआ फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री आई कैप आया, अगेन ये वन प्लस अब टू प्लस वन थ्री बाई टू जे कैप आया और माइनस थ्री के कैप। आंसर बोलिए बच्चों क्या आंसर सही है ना गलत है, थोड़ा देखिए बीटा वेक्टर बीटा वन आया थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू जे कैप, बीटा टू वेक्टर आया आई कैप प्लस टू डी जे कैप माइनस थ्री के कैप, आंसर सही है ना गलत है बोलिए। हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होता है कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ओके बोला कि ए वेक्टर डॉट बी ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये पार्ट पॉजिटिव है ओनली व्हेन ये जब थीटा क्या होगा जीरो टू पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो और पॉजिटिव होता है ना। ओके और कॉस थीटा कहाँ पर पॉजिटिव होता है एसटी शेड्यूल में। ओके यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ओके okay.
ऑप्शन क्या होगा बोलिए, ऑप्शन शायद बी होगा। हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है आगे, और ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। जब ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होता है एंगल पॉजिटिव होता है, एंगल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ओके। तो आंसर मुझे थोड़ा बोलिए क्या बोला कि इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम एंड ए प्लस बी इज द यूनिट वेक्टर इफ ओके। देखिए यहाँ पर देखो कि ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम ओके हाँ, तो कॉस थीटा क्या होगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ओके, एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ए प्लस बी इज द यूनिट वेक्टर इफ। अच्छा ए प्लस बी यूनिट वेक्टर मीन्स ये तुम्हारा ये ए वेक्टर या नहीं तो बी वेक्टर ये दे दिया, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स द थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन ए प्लस बी वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर इफ। अगर ये अच्छा तो बच्चों थोड़ा देखिए ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा जिसका ये लेके करना पड़ेगा बच्चों द्वारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ओके। देन ये यूनिट वेक्टर बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर होगा ओके। ये तुम्हारा ये मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ये 1 आएगा, ये भी यूनिट वेक्टर है 1 आएगा, ये 2ab ओके हो। तो यहाँ पर देखो अच्छा तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना है, बोल रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना है, यूनिट वेक्टर होना है मीन्स मैग्नीट्यूड 1 होना है। ये तुम्हारा 2 आएगा, ये 2 प्लस 2 ए डॉट बी होगा ओके। अच्छा इसका स्क्वायर रूट भी होगा देखो तो 2। अच्छा अगर ये 1/2 होता है इसका, इसका ही बैक मैग्नीट्यूड 1 आना है। अच्छा तो थोड़ा डाल देते हैं, ये 2 प्लस ए डॉट बी का फॉर्मूला डालते हैं, ए वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। बच्चों पता है कि नहीं ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी क्या होता है तुम्हारा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बच्चों ये आएगा, ए डॉट बी क्या आएगा दैट ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। एक मिनट ओके तो बच्चों ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर दिया है ए डॉट बी बच्चों, ये फॉर्मूला है ये 2 प्लस 2, ये तुम्हारा 1 है यूनिट वेक्टर, ये भी 1 है इनटू कॉस थीटा ओके। और बच्चों हमारा ये यूनिट वेक्टर होना जरूरी है, ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जरूर 1 आएगा ओके। ये यूनिट वेक्टर बोलेगा मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। देन बच्चों ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होना है थीटा का कौन सा वैल्यू में, ये तुम्हारा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। देन बच्चों ये तुम्हारा आएगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2, देन 2 कॉस थीटा इक्वल होगा -1,
देन बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन बाय टू। कॉस थीटा क्या होगा, माइनस वन बाय टू। अच्छा कॉस एक्चुअली 120 डिग्री बच्चों, माइनस वन वन बाय टू होता है। कॉस 120 डिग्री दैट इज 2π/3 होता है। कॉस 2π/3 माइनस हाँ 1/2 होता है। कॉस 120 जो है माइनस 1/2 होता है, 2π/3। देन थीटा इक्वल बच्चों 2π/3 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आया, ये मैग्नीट्यूड दिया है, देन ए प्लस बी एक तो भी यूनिट वेक्टर है, तो 2π/3 आपका ऑप्शन डी आएगा बच्चों। ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों सभी को समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? और यूनिट वेक्टर बोल रहा वन, हाँ अच्छा क्वेश्चन था वेक्टर का। देखिए बच्चों हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके ये तुम्हारा आई कैप और ये जे कैप वाई एक्सिस का और ये के कैप, आई क्रॉस जे बच्चों के होता है। ओके यहाँ पर आई है, जे क्रॉस के देखिए, जे क्रॉस के आपका आई होगा, जे क्रॉस के आपका आई होगा। ओके जे क्रॉस के आपका आई कैप होगा। अगेन बच्चों आई क्रॉस के, आई क्रॉस को उल्टा होने से माइनस आएगा, अगर एंटी क्लॉक वाइज जाएगा प्लस आएगा, उल्टा जाने से माइनस आएगा। आई क्रॉस के क्या होगा, जे कैप होगा, माइनस जे कैप होगा। ओके यहाँ पर आई क्रॉस के बोल रहा है तो माइनस जे कैप आएगा, क्लॉक हाँ क्लॉक वाइज जाएगा तो माइनस आएगा और एंटी क्लॉक वाइज प्लस आएगा। और आई क्रॉस जे बोलिए, आई क्रॉस जे प्लस के कैप होगा। ये आई, ये आई डॉट आई, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये वन आएगा, आई डॉट आई वन आएगा। यहाँ पर बच्चों द्वारा ये माइनस जे कैप, हाँ थोड़ा रुकिए, आई क्रॉस आई हमारा ये आई डॉट प्रोडक्ट तो हाँ बच्चों ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये मॉड ए का स्क्वायर होता था। ओके और भी हम पढ़े हैं आई डॉट आई, वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, कॉस थीटा होता है उसका, ये उसका बीच में एंगल जो है जीरो डिग्री, कॉस इनके बीच में जो एंगल है आई और कॉस जीरो डिग्री वन होता है। तो आई डॉट आई कॉस 90 जीरो होता है, आई डॉट आई वन होता है बच्चों। आई डॉट आई हमारा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये आई डॉट आई इनका बीच में एंगल खुद का और खुद का बीच में एंगल जीरो डिग्री है, कॉस जीरो डिग्री वन होता है। ओके ये आई कैप डॉट आई कैप आएगा, ये आई कैप डॉट आई कैप और आई का मैग्नीट्यूड वन होगा और ये इसका भी मैग्नीट्यूड वन होगा, तो आई कैप डॉट आई वन आएगा। जे कैप डॉट जे कैप वन होगा, जे कैप डॉट जे कैप भी वन होगा, ये पढ़ाया गया था डॉट प्रोडक्ट में। के कैप डॉट के कैप भी वन होगा और ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये मॉड ए का होल स्क्वायर होगा, ये डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा गया था। तो आई कैप डॉट आई कैप वन होता है, जे कैप वन होता है, के कैप डॉट के कैप भी वन होता है। प्लस वन माइनस वन जाएगा, ये आपका आंसर वन आएगा, प्लस वन माइनस वन जाएगा, आपका आंसर वन आएगा। तो ऑप्शन सी होगा बच्चों, ये बच्चों एग्जाम आता है वन मार्क में, वेक्टर में तीन क्वेश्चन वन मार्क में आता है। हमारा बोला कि ये तो थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ओके थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए वेक्टर और क्या बी वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और बोला कि ए डॉट का बी का मैग्नीट्यूड, ये एक तो स्केलर है। ओके ए डॉट का ये ए का, ए डॉट भी होता है ए का मैग्नीट्यूड,
बी का मैग्नीट्यूड, ये कॉस थीटा। ओके, ए डॉट बी का ये होता है अगेन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड टू साइन थीटा। ओके, दैट व्हाट इज द थीटा, देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, देन योर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा बाय कॉस थीटा वन होता है, योर टैन थीटा इक्वल टू टैन पाई बाय फोर होगा, देन थीटा इक्वल बच्चों पाई बाय फोर होगा। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, आंसर थोड़ा चेक कीजिए, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है और ये ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। ओके, आंसर बताओ, तो ये प्रूव करना है, एलएचएस कीजिए, योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बनेगा बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, और बच्चों ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर दिया है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो गिवन हमारा ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओके, जब बच्चे दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जीरो डालिए, ये मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ये जीरो डालिए, ये मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ये चार मार्क में बच्चा आता है, चार मार्क में क्वेश्चन आता है, वो बोल रहा है कि द सो द डायरेक्शन क्वेश्चन वेक्टर इक्वल इंक्लाइंड विद ओ एक्स एंड ओ वाई एंड ओ जेड। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, थोड़ा बच्चों मच्छर थोड़ा ज्यादा हो रहा है थोड़ा, वो बोल रहा है कि यहाँ पर सो द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विद द ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। देखिए एक्स एक्सिस है ये, अगेन ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये आप एक तो वेक्टर है इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, ये अल्फा आपका डायरेक्शन एंगल है, ये बीटा ये आपका डायरेक्शन एंगल है, ये आपका गामा डायरेक्शन एंगल है। हमें प्रूव करना है कि सो दैट द डायरेक्शन क्वेश्चन एंगल इक्वल एंगल विद द गिवन है, आपका कॉस अल्फा गिवन है वन बाय रूट थ्री आर दिस, हमें प्रूव करना है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वल इंक्लाइंड है, मींस गिवन अल्फा इक्वल बीटा गामा दिया है, गिवन आपका इक्वल इंक्लाइंड दिया है, योर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल गामा दिया है, डायरेक्शन क्वेश्चन वेक्टर इक्वल एंगल दिया है। ओके, देन हमें ये प्रूव करना है, देखो यहां पर देखो ये गिवन है बच्चों, ये है ओके। अच्छा कॉस अल्फा बोलिए, अब मैं बोला था और एक बात है, मैं बोला था योर एल स्क्वायर, उसका ये रहेगा मिसिंग नहीं है, नहीं है मांग। अच्छा ये यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन होता है। ओके, योर कॉस कर अल्फा एल होता है कॉस अल्फा, योर कॉस कर अल्फा कॉस कर बीटा प्लस कॉस कर गामा वन होता है। अच्छा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा दिया है, ये गिवन है, तो अल्फा ये कॉस कर अल्फा, ये बीटा का बदले में अल्फा डालूंगा,
और ये गामा का बदले में भी अल्फा डालूंगा। ओके, ये बीटा का बदले में डालिए अल्फा डालिए, और ये गामा का बदले में भी अल्फा डालिए। ओके, क्योंकि वो गिवन है कि बीटा गामा अल्फा इक्वल बोल के, ठीक है। अच्छा देखिए, ये थ्री कॉस कर अल्फा इक्वल टू कितना होता है, वन होता है। यार कॉस कर अल्फा इक्वल टू वन बाय थ्री होता है, देन कॉस अल्फा इक्वल टू वन बाय रूट थ्री आता है। तो हमें वही निकालना था कि अगर ये थ्री एंगल्स इक्वल है, डायरेक्शन कोसाइन एंगल इक्वल है, तो हमारा जो उसका एंगल है वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री आएगा। कॉस अल्फा वन बाय रूट थ्री, अल्फा का मतलब बीटा लिख सकते हो क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा है, विच इम्प्लाई दैट कॉस अल्फा, और अल्फा का मतलब है बीटा लिख सकते हो कॉस गामा, ये सभी वन बाय रूट थ्री आएंगे क्योंकि अल्फा का बदले में बीटा लिख सकते हो, और बीटा अल्फा का बदले में गामा भी लिख सकते हो। तो हर एंगल तुम्हारा वन बाय रूट थ्री आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर डायरेक्शन एंगल इक्वल था। बच्चों ये आपका पैरेललोग्राम दिया है, ओके। थोड़ा बच्चों थोड़ा मच्छर काट रहे हो मशीन में। देखिए बच्चों, ये टू एडजेसेंट साइड से पैरेललोग्राम दिया है, तो एक को ए वेक्टर ले लीजिए, ये ए वेक्टर ले लीजिए, वो दिया है टू आई कैप माइनस जे माइनस फोर जे कैप, टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। टू एडजेसेंट साइड से पैरेललोग्राम दिया है, तो ये एडजेसेंट साइड एक ही वर्टेक्स जो पकड़ता है, टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। और एक तो दिया है बी वेक्टर, इसे ले लीजिए, ये आई कैप माइनस टू जे कैप, ये आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप है। अच्छा, वो बोल रहा है फाइंड दिस यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। बच्चों एक डायगोनल इसका ए प्लस बी वेक्टर आएगा बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द एडिशन। अगर ये डिस्टेंस ये ऐसे जाता है, ऐसा डायरेक्शन यहाँ से जा रहा है, ये ओ ए ओके, ये ले लेते ओ ए बी सी ओके, ये ओ ए बी सी हेक्टर है। देखो ये तुम्हारा एक ही वर्टेक्स से पैरेललोग्राम जाता है, और ये भी जाता है ऐसे है, ओके। हाँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर है तुम्हारा, और ये ऐसे जाता है अगेन, ये सीबी वेक्टर ऐसे रहता है। तो बच्चों ये तुम्हारा पैरेलल वेक्टर है, जब ये पैरेलल वेक्टर ये ए वेक्टर, तो ये भी आपका ए वेक्टर बनेगा, और ये बी वेक्टर, तो ये भी आपका बी वेक्टर बनेगा, ओके। तो बच्चों बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द एडिशन योर ओबी वेक्टर जो है डायगोनल, हमें डायगोनल निकालना है, जो डायगोनल निकलेगा ओबी वेक्टर बच्चों आएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। फिर आने के बाद इसको यूनिट वेक्टर बनाना है बच्चों। बच्चों यहाँ पर उसका डायगोनल बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, दो तो डायगोनल लिखेगा। अच्छा बी ए प्लस ए वेक्टर बोले, ओबी वेक्टर कितना आएगा, ओबी वेक्टर बच्चे बोलिए कितना आएगा, बी प्लस ए वेक्टर कितना बोले, ये आपका
बी प्लस है, देखिए बनाइए ओबी वेक्टर, ये टू प्लस वन कितना, थ्री आई कैप माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स जे कैप माइनस थ्री प्लस फाइव, माइनस थ्री प्लस फाइव ये तुम्हारा आपका माइनस थ्री प्लस फाइव ये प्लस टू के कैप आ जाएगा। फिर इसको ये डायगोनल है, ओके बच्चों ये तुम्हारा ऐसा आएगा, ओके देन बच्चों तुम्हारा ओबी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोल रहा है, ओबी वेक्टर का यूनिट वेक्टर नाम, ये वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड श्रेयांश, ये वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड दैट इज थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर का रूट ओवर, यूनिट वेक्टर बच्चे बना एक बैक एक डायगोनल का बना, कितना है आप बोल सकते बच्चे कितना है, ये बच्चे बोल सकते हो ये बच्चों चार मार्क आता है, थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस टू के कैप, अच्छा थ्री का स्क्वायर नाइन टू का स्क्वायर फोर, नाइन प्लस फोर कितना, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस फोर थर्टीन प्लस थर्टी सिक्स ये तुम्हारा फोर्टी नाइन बच्चों बन रहा है, फोर्टी नाइन ये सेवन आएगा बच्चे, एक टू डायगनल और एक टू डायगनल क्या होगा बच्चे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द एडिशन में ये आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये आपका आएगा, एक डायगनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। अच्छा और एक टू वेक्टर बच्चे देखिए, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बच्चा आएगा, ओके नेक्स्ट और एक टू डायगनल देखिए क्या होगा, ये आपका सी ए वेक्टर बच्चों, और एक डायगोनल है। अच्छा देखिए आपका ये सी ए ओ सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, देखिए और एक डायगोनल निकालते हैं, योर ओ सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू योर ओ ए वेक्टर बच्चों, बच्चों योर ओ सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू योर ओ ए वेक्टर, देन बच्चे मुझे सी ए वैक्टर चाहिए दैट इज ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर, वाट इज योर ओ ए वैक्टर दैट इज ए वैक्टर, वाट इज योर ओ ए वैक्टर दैट इज ए वैक्टर, वाट इज योर ओ सी वैक्टर दैट इज योर बी वैक्टर। याद रखिए हमारा डायग्नल्स जो आता है एक तो प्लस में आता है रिजल्टेंट वैक्टर, दो वेक्टर का प्लस होता है और एक तो दो वेक्टर का माइनस होता है रिजल्टेंट वेक्टर, एक ए प्लस बी वेक्टर है डायगोनल्स, तो ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंथ बोलेगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा डायगोनल लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, ये जो ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, आपका लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आएगा, ओके। अगर कभी कभी पूछेगा ओबी वेक्टर का भी और दूसरा वेक्टर का भी लेंथ क्या है, दूसरा पैरेललोग्राम का डायगोनल का भी लेंथ क्या है, ये आपका ओ सी ये आएगा, इसका मैग्नीट्यूड करने से आपका इसका मैग्नीट्यूड करने से लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आ जाएगा, दैट इज ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड करोगे देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो करने से लेंथ ऑफ द आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आपका सी ए वैक्टर हुआ बच्चों, ए वैक्टर माइनस दूसरा डायगोनल, ये डायगोनल दूसरा डायगोनल हुआ, ओके दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर टू माइनस वन आई कैप आएगा, अगेन माइनस फोर प्लस टू, माइनस फोर प्लस टू कितना, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू जे कैप होगा, माइनस फोर प्लस टू फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस थ्री प्लस टू के कैप होगा,
योर 5 माइनस 3 प्लस 2 के हो गए। अगर इसका बोलता है लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। फिलहाल इसका यूनिट वेक्टर बोल रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ द डायगोनल बोल रहा है, तो ये वेक्टर सर, हाँ बोलो, वो 5 माइनस ऑफ माइनस 3 होगा ना, तो प्लस हो जाएगा। माइनस नहीं, 5 माइनस माइनस 3, वेरी गुड। ये प्लस 8 के कब आएगा ना, ना क्या? अरे कितना, हाँ अच्छा, अगेन ये आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, ये उसका यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये प्लस 8 का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। अच्छा उसके बाद बच्चों इसका बोल रहे एरिया, एरिया एरिया ऑफ द वेक्टर बोले आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, एरिया पे पैरेललोग्राम और एरिया पे ट्रायंगल हाफ होता है, ये ऐसा आएगा आपका आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा ए वेक्टर आपका क्या है, 2 माइनस 4 5, 2 माइनस 4 5, और देखिए बी वेक्टर देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, वन माइनस टू माइनस थ्री हुआ बच्चों। तो बच्चों इसका क्या है बोलिए, ए क्रॉस बी कितना आया, उसका फिर मैग्नीट्यूड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या है बोलिए, चलो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया सर, ये कितना आया, अरे बोलो, अरे कितना आया बोलो, चतुर्मयी ये बच्चे नहीं बोलेंगे, ये 12 प्लस 10, आई कैप इंटू 12 प्लस 10 कितना, ये 22 आई कैप, अगेन माइनस जे कैप इंटू कितना आएगा, माइनस जे कैप इंटू आएगा -6 -5, माइनस जे कैप आएगा कितना, -6 -5 -11, मीन्स ये +11 हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू क्या होगा, ये -4 प्लस 4 -4 प्लस 4, ये -4 प्लस 4, ये 0 के कैप आएगा, ये -4 -4, ओके देन इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ये ए क्रॉस बी आया, इसका मैग्नीट्यूड फिर निकालना है, ये बच्चे ए क्रॉस बी आया, ये ए क्रॉस बी आया, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 22 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ऑफ 22 का स्क्वायर बच्चों बोलो कितना है, 242 ना कितना, 4 कितना, 484 ना कितना सर, वो 11 का स्क्वायर है ना, कौन सा वाला, ये 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, नहीं रे 11 कैसे होगा, माइनस जे कैप इक्वल क्या होगा, Yes, ये -6 -6 -11 आ रहा है ना, प्लस क्या हो रहा है सर, 11 प्लस 11 आ रहा है सर, टोटल प्लस 11 हो रहा है, यस सर, अच्छा ठीक, तो इसका स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बोलो, 22 का स्क्वायर कितना, अरे बोलो 22 का स्क्वायर 484 प्लस 121, मैंने आपका ये कितना बनेगा, 5 10 ये बनेगा 605, 5 8 10 1 इसका आंसर आएगा इतना, ओके, और इसका करोगे और क्या, तो बच्चों कल पढ़ाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे।